एक नया तथ्य हमारे सामने आया है जिसके अनुसार एक जो इंसिडेंट हुआ था उस टाइम पर डिसीज्ड के साथ एक और लड़की थी और उसके मुताबिक ये जो घटना घटी है उस टाइम पर वो थी और उसको कोई इंजरी नहीं हुई थी और वो उठकर वहाँ से चली गई थी। और इस मुद्दे में हमने जो भी एफर्ट्स किए हैं कल उसका परिणाम ये रहा कि अब हमारे पास एक इंसिडेंट की आई विटनेस है और वो पुलिस के साथ कोऑपरेट कर रही है और इसमें अभी 164 सीआरपीसी के तहत उसकी जो स्टेटमेंट है वो रिकॉर्ड कराई जा रही है। यह दिल्ली पुलिस के लिए इस केस के इन्वेस्टिगेशन में एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है और जो अक्यूज्ड हैं उनको एक तरह से सज़ा दिलाने में हमारे लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। इसके अलावा इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है, इन्वेस्टिगेशन अभी प्रारंभिक स्टेज पर है, बहुत पहलुओं पर इन्वेस्टिगेशन हो रहा है और जल्दी ही दिल्ली पुलिस की ये कोशिश है कि जल्दी ही इस इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट कर लिया जाएगा और जो अपराधी हैं। एक नया तथ्य हमारे सामने आया है जिसके अनुसार एक जो इंसिडेंट हुआ था उस टाइम पर डिसीज्ड के साथ एक और लड़की थी और उसके मुताबिक ये जो घटना घटी है उस टाइम पर वो थी और उसको कोई इंजरी नहीं हुई थी और वो उठकर वहाँ से चली गई थी। और इस मुद्दे में हमने जो भी एफर्ट्स किए हैं कल उसका परिणाम ये रहा कि अब हमारे पास एक इंसिडेंट की आई विटनेस है और वो पुलिस के साथ कोऑपरेट कर रही है और इसमें अभी 164 सीआरपीसी के तहत उसकी जो स्टेटमेंट है वो रिकॉर्ड कराई जा रही है। यह दिल्ली पुलिस के लिए इस केस के इन्वेस्टिगेशन में एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है और जो अक्यूज्ड हैं उनको एक तरह से सज़ा दिलाने में हमारे लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। इसके अलावा इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है, इन्वेस्टिगेशन अभी प्रारंभिक स्टेज पर है, बहुत पहलुओं पर इन्वेस्टिगेशन हो रहा है और जल्दी ही दिल्ली पुलिस की ये कोशिश है कि जल्दी ही इस इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट कर लिया जाएगा और जो अपराध